राइटर जी, श्री जॉन जी और यहाँ उपस्थित हमारे गुरु जी के शिष्यगण और हमारे सभी उनके बताए रास्ते पर चलने वाले और पालना करने वाले ऐसे हमारे भक्तजन और मीडिया के निर्देशक, मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम सब लोग जानते हैं कि गुरु परीक्षा जी आचार्य स्वामी जी जो एक अध्यात्म गुरु के रूप में सामाजिक सेवा और सामाजिक सेवा के साथ साथ अध्यात्म की सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे महान आत्मा के दर्शन करने का और हमारे पीठाधीश्वर श्री दत्ता पद्मा पीठ के गुरु जी उनके भी यहाँ दर्शन करने का और ये जो गुरु परंपरा है इसको जानने का मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को मेरी पत्नी के साथ आने का यहाँ पर मुझे मौका मिला है, मैं धन्य हुआ हूँ। आपका आशीर्वाद सबको मिला है। आपने जो धर्म की एकता के लिए और उसकी मजबूती के लिए और एक परस्पर समन्वय बैठाने के लिए जो आपने योगदान किया है, इसके लिए आप विभिन्न देशों से भी विभूषित हुए और आपको दुनिया में इस बात के लिए माना भी है। मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसे सद्गुरु जी के दर्शन करने का और उनसे आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप हम सब लोग जानते हैं कि धर्म भूषण के नाम से भी आपको सुशोभित किया गया है और साथ ही साथ हमारे बहुत से देशों ने आपको अपने अपने अलंकृत तरीके से सुशोभित किया है, ये हमारा सौभाग्य है। जहां तक जैसा कि मन संचारिका जी बोल रही थी कि यहाँ पर बहुत भारतीय के लोग जब आते हैं तो स्वामी जी के दर्शन करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारा स्वाभाविक है। हम बगैर आपसे दर्शन किए जाएं यह भी अस्वाभाविक होगा और यह सौभाग्य वाला भी विषय है। यह तभी सौभाग्य होता है जब हम स्वाभाविक रूप से आपके दर्शन करते हैं और यह हमको सौभाग्य हमारे यहाँ के आयोजकों ने दिया है, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करूँ। आप लोग अपनी संस्कृति और अपने विचार और अपने अध्यात्म की ताकत के माध्यम से जो समाज की सेवा कर रहे हैं वह अनुकरणीय भी है और उसमें हम सब लोग सम्मिलित हो, यह हमारी जिम्मेवारी है। आप इस तरीके से संस्कृति की रक्षा करते हुए संस्कृति का आप जो विस्तार कर रहे हैं, संस्कृत के विद्यालय महाविद्यालय को चला रहे हैं और संस्कृति के माध्यम से जो हमारे पूर्वजों ने हमारे ऋषि गुरुओं ने जो हमको जीवन शैली बताई है उसको आप जनता तक पहुंचाने का, सामान्य जनता तक पहुंचाने का, सामान्य लोगों तक पहुंचाने का जो आपने काम उठाया है, यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है, प्रेरणादायक भी है और हम सब लोगों को एक दृष्टि भी देता है, दिशा भी देता है। ऐसी महान आत्मा के दर्शन करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और अपने हमारे सभी साथी मिलकर आप इस दर्शन को लेकर के चले उसमें हम सब भी आपके साथ शामिल हैं और आपको ईश्वर ताकत दे, शक्ति दे, इस काम को आप निर्णायक होकर पहुंचाने में अपना योगदान करेंगे और हम सब लोग एक उसे कहते हैं कि एक छोटे सिपाही के रूप में आपके साथ सत्तर होकर इस काम में शामिल। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ आपके दर्शन करने का मौका मिला हम सबको, इसके लिए मैं धन्यवाद हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा में हम सब लोग अपना योगदान। मैं अपने छोटे शिष्यों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत छोटी उम्र में इस कार्य में आगे आप आए हैं, ईश्वर आपको भी शक्ति दे, सुबुद्धि दे, सामर्थ्य दे ताकि आप संस्कृति की रक्षा करें। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि ये पार्टी का उद्देश्य इनके नाम से जुड़ा हुआ है। ये बस भारत का ही नहीं लेते, वो जगत का लेते, वो जगत प्रकाशित करने वाले व्यक्ति हैं, जगत प्रकाशित करने के लिए पार्टी बनी है। प्रणत और विष्णु माने में भेद है, वो सतर्क हमें पहुंचाने का जो सूत्र है वो बीजेपी पार्टी जो है वो लेकर जा रही है। जो पीएम बनाते हैं या सीएम बनाते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े देश के पोस्ट हैं जो बनाते हैं, वे हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी जी, आज उनका आगमन यहाँ हुआ है, तो इनके लिए हम यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व का नाम लेने से भी बहुत से लोग हिचकिचाते थे, वो आज जय श्री राम बोलने में अभिमान यानी गर्व महसूस कर रहे हैं। यही पार्टी का जो धोरण है वो हमें बहुत प्रिय है। बहुत ऐसे साल हो गए जहाँ भारत में हिंदू जैसे कोई नाम लेना भी पसंद करना नहीं चाहता था, जब भारतीय जनता पार्टी ने ये स्वर लगाया तो हर प्रांत में आप देखिए भारत के हर ओर आपको हिंदुत्व का कार्य जो है या हिंदू जो सच्चे मन से हम हिंदू शब्द का अर्थ यानी जीवन पद्धति के रूप में वो आपको दिखाई देगा। ये सारी इनके अमानत हैं और अमित शाह और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका ये बहुत प्रयत्नपूर्वक यानी बहुत प्रयास किए गए जाते हैं, तब ऐसे ये कार्य जो है वो देश में हो जाते हैं। कल ही वेबिनार में हम थे तब उन्होंने बताया कि ये भारत देश अब जग रहा है। क्यों जग रहा है? तो मोदी जी ने सामान्य से सामान्य लोगों तक अपना विचार जो है वो पहुंचाया। कोरोना के वक्त आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत लोगों ने ताली बजाई, बहुत लोगों ने ताली बजाई, बहुत लोगों ने गीत चलाए। एक लीडर जब कुछ भी बताता है तो उसका रिस्पेक्ट कहां कहां से हो जाता है वो आपने कोरोना के वक्त दिखा। तो यही बात हम लोगों को समझ सकते हैं, जन नेता कोई भी पक्ष का या कोई भी सामान्य जनता तक जब पहुंच जाता है तो वही सच्चे रूप से जन नेता के रूप में आगे आ जाता है। तो नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे लीडर के रूप में, ऐसे नेतृत्व के रूप में भारत देश को उभर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि जैसे भी आज नड्डा जी पार्टी का नेतृत्व आज यहाँ उपस्थित है, आगे जाकर देश का भी नेतृत्व उनको प्राप्त हो और उनके कार्य क्षमता में भी मैं जानता हूँ कि उनसे कार्यकर्ता टूटते नहीं, चाहे हार हो या जीत हो, कार्यकर्ता को अपने ओर खींचने में नड्डा जी समर्थ हैं और उनके कार्य शैली में वो खासियत है। दूसरी एक बात ये है कि नड्डा जी जो है उत्तम कुशल वक्ता है, कहाँ क्या बोलना है वो तो मालूम है, तो ये इनकी खासियत हमें बहुत प्रिय है। और पार्टी में जब भारतीय जनता पार्टी जब कहीं किसी प्रदेश में जाती है तो इसका हम दर्शन जरूर करते हैं। हमारे गोवा के हमारे राष्ट्रीय सीएम प्रमोद जी सावंत जब पर्यटन के पश्चात यहाँ उनका नेतृत्व गोवा के लोगों को मिला तभी कोरोना आया, तो विचार लोगों को ज्यादा काम करने को नहीं मिला, लेकिन जो काम भगवान ने उनको दिया वो डॉक्टर है। अभी डॉक्टर को कोरोना के समय सबको संभालना है, वो काम बढ़िया ढंग से उन्होंने किया, इसके लिए हम सीएम को डॉक्टर होने का काम क्या है तो सबको संभालना है, सबकी रक्षा करना है। इसलिए प्रमोद जी ने बहुत बढ़िया तरीके से ये और क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी है कि किसी को मालूम नहीं है कि ये क्या उपाय योजना करनी है। अभी 1.5 साल हो गए फिर भी कोरोना के ऊपर कोई उपाय योजना ऐसे दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि प्रमोद जी ने जिस तरीके से ये सारा गोवा संभाला उनके लिए बहुत आशीर्वाद। आज उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ है, हमारे नड्डा जी यहाँ उपस्थित है, उनकी धर्मपत्नी मातृत्व शक्ति यहाँ उपस्थित है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। सीपी रवि जी
यहाँ उपस्थित है उनको भी बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि यानी एक्सीडेंट के बाद हमारे श्रीपद भोजी यहाँ तक हम पहुँचे हैं। हमें बहुत यानी भगवान दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से ही वो हमारे बीच में है, क्योंकि एक ऐसी घड़ी उनके जीवन में आई लेकिन उनके जो सत्कार है उनके लोगों के प्रति प्यार उनका जो है उन्होंने उनके बीच उनको रखा। श्रीपद भोजी आप सही में जन नेता हैं कि आपने फिर से ये सारा इंसिडेंट देखते हुए यही पता चलता है बार बार ये दिखता है कि आपका प्यार जो समाज में है वही आपको ये आशीर्वाद के रूप में इस गरीब जाति के पीछे रहा। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीपद हो हमारे यानी गोवा के बीजेपी पार्टी के मूलाधार हैं, वो यानी फाउंडेशन है। तो भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो ऐसे जननेता तैयार करती है, यही काम होता है। तो मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री कन्नौले के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब लोगों का भी आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए कि गोवा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो सदानंद जी आपको पार्टी को आनंद देना है, तो आप वो काम जरूर करिएगा। नरेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारे सुलक्षणा जी उनको भी बहुत आशीर्वाद, और ये जो सुंदरदार यहाँ बैठे हैं हमारे सती जी उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने भी पार्टी के लोग यहाँ पदाधिकारी आए हैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी इसके पश्चात हम गुरुदेव ब्रह्मानंदाचार्य जी स्वामी महाराज जी के समाधि स्थान दर्शन के लिए जाएंगे, उसके पश्चात वृक्षारोपण हमारे पार्टी अध्यक्ष के हाथों होगा और उसके बाद ये कार्यक्रम जो है पूरा होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री रामचंद्र की जय, और हनुमान की जय। राजा स्वामी महाराज।
आचार्य स्वामी महाराज की जय। श्री मत्सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्री मत्सद्गुरु ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। राजा राजा